भाई को सपोर्ट करो, हर एक बंदा नहीं कर सकता ऐसा जो भाई कर रहे हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब, या लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज एक नए व्लॉग की शुरुआत होगी चिनानी से बनिहाल के लिए, ठीक है ना। आज सफ़र देखते हैं हमारा पत्नीटॉप से, पत्नीटॉप में क्या कुछ दिखाते हैं आपको। तो ये अमान भाई जिसके पास हम रात को रुके थे, ठीक है ना, 1 किलोमीटर मेरे साथ चल के आया यहाँ तक, और ये भैया इन्होंने इसको लिफ्ट दी। सो चलो निकल जाओ। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू, ओके। सो इन्होंने इसको लिफ्ट दी, मैं यहाँ से आगे और चलूँगा, ठीक है ना। तो अभी देखूँगा कि मैंने पत्नी टॉप से सोचा है जाने का, तो चलो आज वहीं से चलेंगे, कुछ वहाँ का व्यू, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएँगे। अभी हम 1 किलोमीटर पैदल चल के आगे, अमान भाई को मैंने बोला भाई आप चले जाओ, तो क्योंकि इसको ड्यूटी भी जाना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाता है। अभी एक काम करेंगे, यहाँ से मैं देखता हूँ अगर मुझे लिफ्ट मिली चिनानी तक, तो 5 किलोमीटर है यहाँ से चिनानी, फिर मैं यहाँ से चिनानी तक लिफ्ट मांगूँगा, वहाँ से पत्नी टॉप के लिए। सो गाइज चलो मांगते हैं ऊपर लिफ्ट। सो गाइज फाइनली सुबह सुबह 2 गाड़ियाँ रुक गई हमें, ठीक है ना, लिफ्ट के लिए। पहली इनोवा और दूसरी वैगनर, वैगनर में बैठेंगे। ओके भैया, थैंक यू, चलते हैं सर के साथ। कहाँ जा रहे हो भैया? चिनानी तक। ओके थैंक यू, चिनानी तक लेके चलोगे भैया? सो गाइज फाइनली इन सर ने हमें लिफ्ट दी। आपका नाम भैया? नीरज भैया। नीरज कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं उधमपुर का। उधमपुर के रहने वाले, चलो ठीक। सो गाइज फाइनली आप देख रहे हो आज हम घर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ से भी फर्स्ट लिफ्ट मेरी सुबह की यही है, ठीक है ना। अभी तक पैदल ही चल रहा था तो भाई रुक गए, चलो अभी इसके साथ चिनानी तक चलते हैं और उसके बाद आगे पत्नी टॉप से ही चलेंगे। भैया थैंक यू, ठीक है ना, आपने हमें लिफ्ट दी, ओके, ऐसी हेल्प करते रहना हमेशा लोगों की, ठीक है ना, ओके। सो गाइज फाइनली इन सर ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया, ओके थैंक यू भैया, ठीक है ना, अभी इनके साथ यहाँ से आगे जाते। हेलो सर, बस ठीक। सो गाइज फाइनली अभी ये सर यहाँ पे, एक सेकेंड भैया मेरे डाउन कर देना। हेलो भैया क्या हाल है? एक सेकेंड करते हैं अंदर ही बात। सो गाइज फाइनली उन भैया ने हमें यहाँ पे छोड़ा, और ये भैया के जो हमें पीछे मिले थे और ये भी रुक गए थे। यार इंसानियत की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा मिल रही है। और भैया आप कहाँ से वैसे? हम कटरा के रहने वाले। कटरा के रहने वाले हो, चलो बहुत अच्छा। तो अभी कहाँ तक जाओगे आप? मैं यहाँ पे स्काई व्यू होटल है, वहाँ से गेस्ट को लेके इनको कटरा ड्रॉप करना है। अच्छा, तो ऐसे 2 किलोमीटर। ओके थैंक यू भैया, आपने हमें लिफ्ट दी, ठीक है ना। आपने मैं बनिहाल का। अच्छा ये बनिहाल। जी जी, आपने पीछे भी इंसानियत बहुत अच्छी दिखाई, ठीक है ना। तो अभी भाई ने बोला आगे तक जा रहा है, आपको आगे तक छोड़ देगा। आपका नाम भैया? मेरा नाम सर सनी। सनी, चलो ओके थैंक यू भैया, ठीक है ना। सो गाइज फाइनली सनी भाई के साथ बात हो गई, नाम तो जान लिया, ठीक है ना, नाम जान लिया। इनकी गाड़ी वहाँ पे, इनको यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है ऊपर पत्नी टॉप। सो थैंक यू करते हैं सनी भाई का फिर से, ठीक है ना। आधे रास्ते पे छोड़ना पड़ा क्योंकि हमें इस रास्ते जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है यार जब हम ऐसे बंदों से मिलते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। सो चलो करेंगे एक काम, चलते हैं। सपोर्ट करो, हर एक बंदा नहीं कर सकता ऐसा जो भाई कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करो। हम तो नहीं कर सकते, चलो भाई घुमा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, चलो इनकी ब्लॉग से हम घूम लेंगे। भाई भाई मैं अपनी चैनल में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि याद रखना मुझे पता है अभी सबसे ज़्यादा ये चैनल जो है ना बाहर के लोग बहुत देखते हैं। आप लोग मुझे कहते हो ना मैं उदयपुर में था, आपको सबको पता है कितने लड़के मुझे मिले, किन किन से। आप कह रहे थे रीस भाई अगर हमें कटरा आना हो या कटरा या कश्मीर कहीं भी घूमने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप कटरा आते हो ना तो भाई की गाड़ी भी है और भाई गाइड करने के लिए भी है, भाई आपको हर एक चीज़ दिखाएगा, हर एक चीज़ घुमाएगा, होटल में रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी है इसके पास, ठीक है ना, हर एक चीज़ इसके पास। क्योंकि देखो यार अभी मेरे सामने मैंने इससे जाना, बंदा बहुत सही है। अगर आप आते हो ना तो भाई इसकी चैनल है, वहाँ पर जाके माँ वैष्णो देवी हॉलीडेज है, और कटरा में हमारे होटल हैं और टेम्पो ट्रैवलर वगैरह हैं। अभी कटरा में कोई भी आए, फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, तो हमारे पास पैकेजेस वगैरह रहते हैं और वो जेन्युइन रेट है, कोई वो ज़्यादा नहीं है। भाई आप लोग सच में आने वाले हो सब लोग, क्योंकि आप लोग ने बहुत उन्हें बोला हम कटरा आने वाले, कोई बात नहीं। तो भाई इंस्टा पे जाके भाई के नाम पे कोई भी आएगा तो उसको थोड़ा यार भाई के नाम पे हम यार ये देखो क्या बोल रहा है भाई, ठीक है ना। तो भाई इसने अपनी चैनल बोल दी, जाके इंस्टा पे फॉलो करो और मैसेज करो, भाई सब कुछ बता देगा। सो चलो चलते यहाँ से। ओके। सो गाइज आपने देखा मैं किन किन से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे बंदे जब मिलते हैं। और भाई लोकेशन चेक करो पत्नी टॉप की, क्योंकि आपके भाई को जाना था चिनानी से, लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए पत्नी टॉप से। और आज जितना भी व्यू पत्नी टॉप का रहेगा ना, शायद ये 15 से 18 मिनट के बीच में उला गए, लेकिन प्लीज़
पूरा देख लेना यार, ठीक है? आपका भाई इतना मेहनत करता है तो इस मेहनत का रंग अच्छा ही मिलना चाहिए। चलो पत्नीटॉप का जितना व्यू हमें मिलता है ना, वो व्यू हम आपसे शेयर करेंगे। यार सामने व्यू चेक करो, हो क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। चलो पास में पहुँचते फिर वो नज़ारा आपको दिखाते हैं। पत्नीटॉप का नज़ारा चेक करो यार, वो देखो नीचे से रोड, वो ऊपर देखो मैं टॉप पे अभी आ गया। यहाँ से ऊपर पता नहीं कहाँ तक है कहानी, आपका भाई चल रहा है, लेकिन यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है यार। सामने का व्यू चेक करो गाइस, वो देखो। चलो चलते यहाँ से और आगे। यहाँ पे एक सर रुके, एक सेकेंड अंकल, पत्नी टॉप तक जाना था। पत्नी टॉप थोड़ा पहले जाऊंगा मैं, आगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। आप कहाँ के हो सर? हम इधर कूद गए हैं, ये पहले कूद गए। चलो ठीक, अभी कितना आप जाओगे सर? 8-10 किलोमीटर? हाँ 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर है। चलो ओके थैंक यू सर। फाइनली आप अभी एक व्यू पॉइंट है, ठीक है ना, जिन सर के साथ मैं आया वो यहाँ पे रुके, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से मुझे व्यू पॉइंट दिख रहा है, ये देखो भाई बहुत खूबसूरत है ना, पहाड़ों से ऊपर से धुंध देखो। पत्नी टॉप भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वो गाड़ी है जिस गाड़ी में हम आए, ठीक है ना। और ये पत्नी टॉप का रोड है भाई, कि आपको पता है जब भी पहले आप आते थे ना, पहले तो चिनानी नाचरी वाला टनल नहीं था, आपको इस रोड से होके आना पड़ता था। तो बहुतों को अभी भी पता है कि जब मैं बाहर गया तो बहुतों ने कहा हम भाई हम पत्नी टॉप आए हुए। तो सो गाइज, आप जहाँ से पत्नी टॉप आए हो ना, ये वो रास्ता है पत्नी टॉप को, और यहाँ का व्यू जो है ना काफ़ी खूबसूरत है। सो चलो, और जितना भी व्यू पॉइंट सामने रास्ते में आएगा ना, वो अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ओके थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ तक लाया। आपका नाम वैसे? राजिंदर सिंह। सो गाइज फाइनली अगर आप विजिट पत्नी टॉप का करते हो ना, यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। प्रेम गेस्ट हाउस, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रात को आप रुक सकते हो आराम से। ये देखो भाई यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सो चलो यहाँ से और आगे चलेंगे, और आगे जो भी खूबसूरती, जो भी अच्छा अच्छा नज़ारा आता है ना, वो आपको हम दिखाएंगे। सो गाइज फाइनली यहाँ पे और एक लिफ्ट मिल गई है हमें। चलो सर से पूछते हैं, सर कहाँ तक जा रहे? हेलो सर। हेलो, क्या हाल है, कहाँ तक जा रहे हो सर? मैं खुद तक, उसके बाद पत्नी टॉप तक जाऊंगा। पत्नी टॉप तक जाना है सर मुझे, लेके चलोगे सर? ओके थैंक यू सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू। जम्मू के रहने वाले, तो अभी आप यहाँ से मुझे खुद ले जा रहे हो, कितने किलोमीटर सर, मतलब पत्नी टॉप खुद से? पत्नी टॉप कितने किलोमीटर सर यहाँ से? यहाँ से है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है सर। आपका नाम? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, ओके थैंक यू सर। सो गाइज फाइनली आपका भाई पहुंच गया खुद, ठीक है ना। यहाँ पे जब पहले यहाँ से हाईवे होता था तो यहाँ से अलग ही रौनक, अलग ही रश होता था। ये देखो इन वो जो शॉप है ना, यहाँ से इन पे अलग ही रौनक मिलती थी हमें देखने को। यहाँ का मार्केट चेक करो भाई, खुद मशहूर है, ठीक है ना। अगर आपको मिठाई लेनी हो ना, ये वहाँ से लेके जो है ना स्टार्ट और यहाँ इस मोड़ तक एंड होता था। यहाँ पे हर एक ड्राइवर का स्टॉप था, यहाँ पे रुकते थे, मिठाई ले जाते थे। ये देखो भाई, चेक करो गाइस। सो गाइस फाइनली ये मोड़ है, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट आता है गंडोला, गंडोला कहते हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अलग ही व्यू है, यहाँ से अलग ही नज़ारा है। ये देखो गाइस, यहाँ से चेक करो, खूबसूरत नज़ारा है यार। वो देखो वहाँ से रोड है, ये चेक करो गाइस, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छी धुंध आ रही है। ये देखो, और यहाँ से व्यू चेक करो, बहुत ज़्यादा धुंध है। ये मोड चेक करो गाइस, ये पत्नी टॉप है, ठीक है, चेक करो, चेक करो यहाँ से यार, धुनी धुन आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन व्यू बहुत सही है। चलो चलते यहाँ से और आगे। गाइज यहाँ से इतनी चढ़ाई है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, और चढ़ाई के साथ साथ व्यू, इतना खूबसूरत नज़ारा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखो, सो चलो चल रहे हम भी आगे आगे, ये नज़ारा देख रहे अपनी आँखों से, और ये देखो, चलो चलते और आगे। गाइज फाइनली अभी
जिस लोकेशन से आपका भाई चेहरा है ना, मेरा बैकग्राउंड चेक करो यार, ये वक्त ये पल ना मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं अभी यहाँ से क्या फील कर रहा हूँ। ऐसा नज़ारा है ना यार, ये देखो, यहाँ से जो है ना निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो चलना है, घर पहुँचना है, बहुत अच्छा है यार। ठंडी वाली हवा चल रही है और पहाड़ों में जो पानी निकलता है ना ठंडा वाला, वो मिल रहा है पीने को। सो गाइज, इसीलिए कहता हूँ पत्नीटॉप एक बार विज़िट कीजिए आप लोग। तो सो चलो चलते यहाँ से और आगे। गाइज फाइनली आप चेक करो मैं किस जंगल से अभी पैदल चल रहा हूँ। भाई मेरे सिवा यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, ये देखो भाई। लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत वाला है, ये देखो। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है कि जिससे हम ये बोर्ड दिखाए और आगे चले। ये देखो भाई, मेरे सिवा अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। सो चलो चलते और आगे। अगर आप इस लोकेशन से आते हो ना, तो ये रास्ते में आपको वॉशरूम भी यहाँ मिलेगा और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत वाला है, ठीक है ना, ये देखो। तो चलो अभी मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखा, वो जो बोतल उठा रहा है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा कुछ नहीं, चलो देखते आगे। फाइनली रोड को छोड़ के आपका भाई उतरा है जंगल जंगल से पैदल, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मुझे शॉर्ट पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं यहीं से पैदल चल रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखो, रास्ता देखो, ये देखो किस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, जंगल से। सो लोकेशन चेक करो गाइज, चलो यहाँ से चलते हम कहाँ तक चल पाएंगे और रोड कहाँ पे आ जाएगा। सो गाइज़ फाइनली चढ़ाई ख़त्म और बैकग्राउंड चेक करो, अब हम नीचे की तरफ उतरेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, बट टॉप तो हमने छोड़ दिया ना ऊपर, अब हम नीचे की तरफ यहाँ से उतरेंगे। सो चलो, तो अभी वहाँ से गाड़ी आई, वो देखो वहाँ से गाड़ी आई। ज़रा लिफ्ट मांगते, क्या ये हमें लिफ्ट देंगे या नहीं। सो अब चेक करना। सो गाइज फाइनली हमने लिफ्ट मांगी यहाँ से और एक मिल गया एक भाई। हेलो भैया, कहाँ तक जाओगे आप? मैं जाऊँगा जहाँ तक भी जाऊँगा, चलो आ जाओ। जहाँ तक मतलब मुझे रामन तक जाना है। तो मुझे रामन जाना है, रामन जाना है। आप कहाँ तक जाओगे? तो कोई बात नहीं, बटवे तक। थोड़ा भैया सीट को आगे निकालना। सो गाइज फाइनली लोकेशन चेक करो, इस लोकेशन पे गाड़ियाँ बहुत कम है, तो इस भाई ने हमें लिफ्ट दी। चलो अंदर चलते हो, जानती है इसका नाम, क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम है काका सुनियाल। काका सुनियाल, काका सुनियाल जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रहने वाला हूँ रामनगर। रामनगर कहाँ पे आता है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, चलो जी बहुत अच्छा किया। तो ये हेल्प आपने हमें की, आपने लिफ्ट दी, बहुत बहुत मेहरबानी इसके लिए, ठीक है ना। हमेशा ऐसी काम ना है तो क्या, यही बात है, हमेशा जो है ना काम आना चाहिए, तो मदद करते रहो। मैं बनिहाल से। बनिहाल से? तो आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? ये लो फॉलो कर लो, रईस भट्ट व्लॉग्स। ओके मैं कर लेता हूँ, ये लो फॉलो। ओके थैंक यू भैया, ठीक है ना। ओके ओके। सो गाइज फाइनली ये भाई हमें बटोत तक लेके आ गया, ठीक है ना। तो अभी इस वाले रोड से मैं जा रहा हूँ रामन के लिए, और ये चौक है ना, यहाँ से अंदर सिटी है बटोत की, तो हमें सिटी के बाहर से ही जाना है क्योंकि भाई रामन पहुँचना है, ठीक है। तो फिर लेट हो जाएगा, अभी टाइम 2:30 बज गए। चलो चलते यहाँ से आगे और देखते आगे कहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से हमें कहाँ तक लिफ्ट मिलेगी। सो गाइज फाइनली अभी आपका भाई बटोत से पैदल चल रहा है, ठीक है ना। गाड़ियों का कोई रश नहीं है, रामन पहुँचना है, 3 टाइम हो गया। तो अभी आपका भाई चल रहा है और पैदल। लेकिन एक चीज़ है यार, पैदल चलने में ना अलग ही मज़ा आता है कि गर्मी नहीं है। जो गर्मी मुझे कल झेलनी पड़ी, वो आज नहीं झेल रहा हूँ। सो ऐसे मौसम में मैं बहुत चल सकता हूँ, चल रहा हूँ पैदल। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे हम रामन। चलो देखते हैं यहाँ से कोई लिफ्ट नहीं, जम्मू से वहाँ से तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दो। हाँ, ओके थैंक यू। ओके सर थैंक यू, आपका नाम? दिनेश। ओके दिनेश सर, ओके थैंक यू। सो गाइज फाइनली ये दिनेश सर हमें यहाँ पे छोड़ के गए, ठीक है ना। ये आप अभी मुझे देख रहे हो नाशरी में, ठीक है ना, नाशरी इस साइड, चिनानी उस साइड, ठीक है। तो अभी आपका भाई अगर यहाँ से टनल से होके आता ना, तो खाली 9 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं, 9 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको पता है। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं आना पड़ा, मुझे वो ऊपर जो टॉप आपको दिख रहा है ना, वो टॉप, जूम करके दिखाता हूँ, वो
वहाँ से मुझे आना पड़ा बटवोत से और बटवोत पत्नी टॉप वगैरह, तो फिर मैं यहाँ पहुँचा। वहाँ से करीबन 30 किलोमीटर पड़ा और यहाँ से अगर मैं आता तो खाली 10 किलोमीटर। लेकिन नहीं, जो नज़ारा देखने को वहाँ से मिलता है ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से टनल में बैठो और इस साइड निकलो। लेकिन नहीं, यहाँ से बहुत कुछ मिला देखने को। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे रामन के लिए, ठीक है, और रामन से बनिहाल। सो चलो मांगते हैं यहाँ से लिफ्ट कि सर कहाँ तक जाएंगे। एक सेकेंड, सर हेलो, कहाँ तक जाओगे? जाना? मुझे तो जाना है बनिहाल। मैं चलो चलते हैं सर के साथ, देखते हैं कहाँ पे उतरेंगे। सो गाइस फाइनली हम सर के साथ बैठ के, इन्होंने हमें लिफ्ट दी यहाँ से नाशरी से, ठीक है ना। तो सर आप कहाँ से? जी जम्मू से। अभी आप कहाँ तक जाओगे सर? बारामूला तक। आपका क्या नाम है सर? मंजीत। दलजीत। दलजीत। अच्छा दलजीत, दलजीत। तो सो गाइस इन्होंने हमें लिफ्ट दी, अभी ये बोल रहे कि ये बनिहाल तक। तो मैं देखता हूँ कि मैं बनिहाल ही जाऊँ या नहीं, तो अभी रास्ते में पता चलेगा। सो इस भाई को कहते हैं हम थैंक यू सर, ठीक है ना। तो चलो चलते आगे। सो गाइस फाइनली ये भैया हमें यहाँ पे छोड़ के गए, ठीक है ना। अभी आगे भी हम इसके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें यहीं पे उतरना है। सो इनका करते हम थैंक यू दिल से, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा कि हम, मैं कहाँ से, नाशरी से खारपुर तक आए, तो इनके साथ मैंने बहुत बातें की और मैं इनको दिल से थैंक यू करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे। सो चलो यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। 4000 किलोमीटर। 4000। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमें एक कर्नाटका के भाई मिले, ठीक है ना, साइकिल पे। तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये भी साइकिल के चल रहे 40 डे, इनको यहाँ तक हो गए। अभी हमारे बनिहाल में तो हेल्प के लिए बोल रहे थे यार, इनका ATM कार्ड वगैरह कुछ है। तो चलो यार आज भाई कि आप लोगों ने मुझे इतनी हेल्प की ना, आज आपका भाई हेल्प करेगा। तमिलनाडु का है ना, आज ही मेरे पास रात को रुकेगा, ठीक है। तो आज ये सिटी के लिए, अभी बोल रहा है होटल के लिए, लेकिन नहीं, आज मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि आपका जो प्यार मुझे मिला है ना, वो उस प्यार को देख के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो चलो आगे मिलाते हैं आपको इससे और। सो गाइस फाइनली मैं और अखिलेश भाई अभी चल रहे हैं बाज़ार से, ठीक है ना, पैदल अपने बाज़ार से। तो अभी आज रात ही मेरे पास स्टे करेगा। अभी हम पीछे खारपुरा से पैदल आए, तो ये साइकिल पे था, मैंने कहा आज आप रात को रुकोगे तो आप एक काम करो, फिर साइकिल पे उतर जाओ, मेरे साथ पैदल चलो। तो कहा ठीक है। सो अभी चलेंगे, इसको रात को अपने पास बिठाएंगे, सुबह इसको भेजेंगे, इसको लद्दाख जाना है। तो चलो देखते हैं आगे। फाइनली अभी हम शफाबा, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे शफाबा पानी है। चलो भाई, अभी ये मेरा भाई ये बाइक लेके आ गया, आर एस अपनी, ठीक है ना, अपनी जान को लेके आ गया। और ये भाई, क्योंकि पता है मैं पैदल चल रहा था, तो ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा यार, क्योंकि मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला तू बाइक लेके आ, मैं तो घर तक पैदल जाता, लेकिन इसका भी सोचना है ना यार, आज ये रात मेरे पास रुकेगा, तो साइकिल बाइक इसको मैं आगे लेके चलूँगा और खुद पीछे पीछे आऊँगा। तो चलो करते हैं और बहुत सारी बातें। फाइनली अभी आप मुझे बाइक पर देख रहे हो, बाइक को साइकिल पर, ठीक है ना। तो यही था कि मुझे पता था यार ये पैदल नहीं चल पाएगा, अब ये साइकिल पे चल रहा है, हम बाइक पे चल रहे हैं। चलो घर पहुंच के करेंगे और बहुत सारी बातें। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए और बाइक की जो साइकिल है ना, वो मैंने अंदर दुकान में रखी। ये देखो, अब इसको मैं घर ले जा रहा हूँ, तो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा ये भी, मैं भी नहा लेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। आज ये रात को मेरे साथ स्टे करने वाला है, ठीक है। तो चलो कल फिर देखेंगे, कल इसको लद्दाख जाना है। चलो भाई अभी यहाँ से घर चलेंगे, फिर शाम के टाइम को व्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइज फाइनली आप मुझे अभी देख रहे हो अपने रूम में, ठीक है ना, और भाई मेरे साथ है। तो इसको मैंने रात को यहीं पे स्टे करने को बोला, तो ये रुक गया। मैंने आज इसको अपने साथ रात को बिठाना है। सो करेंगे एक काम, अभी तक मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया, तो अभी भाई मेरा जो ये ट्रैवलिंग सफ़र रहा ना, सबसे फिर से दिल से थैंक यू करता हूँ भाई, थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया ना, इतना प्यार दिया हमें, कि थैंक यू दिल से करता हूँ, सब लोगों को थैंक यू करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखो भाई के व्लॉग कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है इंशाल्लाह। सो करते एक काम, करते इस व्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। और देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो सब कुछ आप लोगों के लिए। सो जो भी मेरे चैनल पे नया होना, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।
या लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब रहे। ओके अल्लाह हाफिज़।